नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। हमारे पास पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, ग्रहण लगने वाला है, उसके बारे में आप हमें बताइए, हमें क्या करना होगा, किन सावधानियों का ध्यान रखना होगा और ग्रहण का बुरा असर हमारे ऊपर ना पड़े, इसके लिए हम क्या करें। ग्रहण का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है उन महिलाओं के ऊपर जो गर्भवती हैं। ग्रहण के टाइम में सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत अगर किसी को होती है तो गर्भवती महिलाओं को होती है। आज मैं बताने वाला हूं कि ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडीज़ को किन बातों का ख्याल रखना होगा और कौन सी हैं वह ऐसी गलतियां जो भूल कर भी उन्हें नहीं करनी है, ताकि उनके और उनके बच्चे के ऊपर ग्रहण का कोई भी बुरा असर ना पड़े। तो जानकारी को आपने आगे शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अच्छी जानकारी हर रोज़ हर कहीं नहीं मिलती। तो चलिए माता रानी के नाम का जयकारा लगाते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रहण की टाइमिंग्स बता देता हूँ। 25 अक्टूबर 2022 को दोपहर के 2:29 पर, यानी कि दोपहर 2:30 से ग्रहण शुरू होगा। ग्रहण का जो सूतक है वो सुबह में 2:30 यानी कि 25 की जो मॉर्निंग है 2:30 AM पर ही सूतक शुरू हो जाएगा। ग्रहण समाप्त होगा शाम को 6:00। इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सूर्य के प्रकाश में आने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के टाइम में सूर्य के संपर्क में आने वालों के ऊपर ग्रहण का सीधा नेगेटिव असर पड़ता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जितना संभव हो सके ग्रहण के टाइम में आपने घर के बाहर नहीं निकलना है या धूप के संपर्क में आपने नहीं आना है। उसके अलावा ग्रहण के टाइम में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें रसोई में भी प्रवेश करने से बचना चाहिए, चाकू छुरी इत्यादि को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा द्वादाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना होगा। ऐसा करने से उनका और उनके बच्चों का दोनों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ग्रहण का जो सूतक होता है उसमें अगर प्रेग्नेंट लेडीज कुछ भी खाना चाहती है तो खाने वाली चीज़ में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। अगर खाने वाली चीज़ में लेडीज जो प्रेग्नेंट है वो तुलसी का पत्ता नहीं डालती तो कहीं ना कहीं ग्रहण का बुरा प्रभाव माँ और बच्चे दोनों के ऊपर पड़ते हैं। तुलसी का पत्ता आपने कब तोड़ना है, मैंने पंडित नितिन शास्त्री YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, सारी जानकारी उसमें दी है। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है अभी जाकर उस एपिसोड को आप देख लें कि तुलसी का पत्ता आपको किस दिन तोड़ना होगा, क्योंकि ग्रहण वाले दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता। 24 को अमावस है, अमावस के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना ब्रह्म हत्या मानी जाती है। 23 को संडे है, रविवार को तुलसी को छूना पाप होता है। तो तुलसी का पत्ता कब तोड़ें ये आप उस एपिसोड में जान सकते हैं। ग्रहण के टाइम में जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको एक स्थान पर टिककर बैठना चाहिए, बार बार इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर ग्रहण के टाइम में प्रेग्नेंट औरत बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर घूमती फिरती है तो ऐसा होने पर भी माँ बच्चे दोनों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ग्रहण के टाइम में
अपने घर में जितना ज्यादा हो सके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे या फिर हरिमन नारायण नारायण हरे हरे इन मानसिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी बुरा असर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। ग्रहण के टाइम में अगर हो सके तो गौ माता को भी रोटी जरूर दे दें। ऐसा करने से भी आप ग्रहण के भारी दोष से बच सकते हैं। ग्रहण के टाइम में आप अपनी कुल देवी का भी ध्यान करते रहें, उनसे भी आशीर्वाद हेतु कामना करते रहें। ग्रहण के टाइम में आप सूर्य भगवान के बीज मंत्र ओम हरांग हरिंग हरों सह सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण के टाइम में प्रभु की पूजा करें और ग्रहण के बुरे दोषों से बचें। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलेंगे कल। जय माता की।